मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस मैंने जब किया था जब मैं 6th क्लास में था स्कूल में, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये आर्ट होता है या फिर पोइट्री लिखना आर्ट है या ड्राइंग करना आर्ट होता है। मैं बस सिंपली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। हेलो, मेरा नाम हितेन मुनवाल है। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ। जो मेरा कोर है डांस फॉर्म का वो है ट्राइबल फ्यूजन डांस। उसके अलावा मैं बहुत थीमेटिक भी डांस करता हूँ, लाइक ओनली परफॉर्मेंस आर्ट, उसमें कोई डांस नहीं होता। म्यूजिक के साथ मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, थोड़े बहुत मूवमेंट है। डांस इज लाइक मेडिटेशन, तो और अंदर से बहुत अच्छा भी फील होता है डांस करने के बाद। सो यू नो, सिर्फ ये नहीं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम और यू नो सोर्स ऑफ अर्निंग, उसके अलावा डांस करने से मुझे मेंटली भी अच्छा लगता है एंड मेरी बॉडी को बहुत अच्छा फील होता है डांस करके। मुझे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे था कि मुझे यही सब करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शायद कि ये मेरी लाइफ का पर्पस बन जाएगा। मैं इसलिए स्प्रेड करता हूँ अवेयरनेस। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यू नो आई मीन मैं मेकअप करके करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ लेकिन मेकअप करने से लोगों को ज़्यादा दिखता है। जो लोगों को दिखता है वो वैसे ही फील करते हैं, वैसा ही सोचते हैं वो लोग, इसलिए मैं वैसा ही बन के जाता हूँ कि पीपल लाइक मी एग्जिस्ट। जेंडर बहुत सारे होते हैं, LGBTQ एंड इट्स मोर देन 66, और उसके अलावा भी यू नो हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होती है कि हम क्या चाहते हैं। मेरे केस में मुझे लगता है कि मैं किसी बाइनरी जेंडर के साथ अपने आप को नहीं डालना चाहता कि ये वाला मेरा बॉक्स है, मैं तो मेल हूँ या फीमेल हूँ। कैसा भी डांस करो, मेकअप करो, एनीथिंग, एक आदमी भी वो चीज़ कर सकता है, एक औरत भी कर सकती है। बस जो पार है बर्थ देने की वो सिर्फ एक औरत कर सकती है। मुझे पर्सनली यही चीज़ एक अलग रखती है, बाकी कुछ मुझे ऐसे अलग लगता नहीं है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जो मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि एक समाज में रहने के लिए यू नो अगर आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है, वैसे कंसीडर किया जाता है, और ये सिर्फ LGBT के लिए नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो कि कैंसर पेशेंट है, ऐसे विक्टिम, हर तरह के लोगों को अगर उनको डिफरेंट तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो किसी चीज़ की। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे, लेकिन किसी चीज़ में बहुत कुशल हो, उनको बहुत कुछ काम आता हो ढंग से करना, क्योंकि उस काम की वजह से ही उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और पैसा भी उस काम की वजह से ही मिलेगा, जिससे वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप खुद को ही नहीं समझ रहे हो तो आपने आपको एक्सेप्ट कैसे करोगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो एक्सप्रेस कैसे करोगे। सो यू नो हमें अपने आप को समझना चाहिए। अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं होती, ये तरीका एक्सप्रेस करने का अपने आप को, तो मैं जो आज मैं हूँ वो मैं नहीं हो पाता। अगर मैं बचपन में ही लोगों से डर जाता, 6th क्लास में जो पहला परफॉर्मेंस किया, बहुत सारा कुछ सुना मैंने लोगों से, अगर मैं वहीं पे छोड़ देता तो यही नहीं हो पाता जो मैं आज हूँ। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जो बातें कर रहा हूँ वो नहीं हो पाता। शायद मैं चुप चुप के रहता, डरा रहता, लोगों को देख के मैं सोचता काश मैं ऐसा कर पाता। आई एम ग्लैड कि वो मैंने काश चीज़ यू नो वो मैंने कर ली।